तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के सक्सेस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि सौरभ भाई अपना ब्लॉगिंग चैनल 19 फरवरी 2019 को चालू किया और उन्होंने अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो 20 फरवरी 2019 को यूट्यूब पर अपलोड किया। और इससे पहले उनका एक और चैनल था जो उन्होंने 5 सितंबर 2015 को चालू किया था, लेकिन उन्होंने उस पर वीडियो अपलोड करना 24 जुलाई 2017 से शुरू किया। ये तो उनका शुरू टाइम का इन्फॉर्मेशन था। अब वापस लौटते हैं ब्लॉगिंग चैनल की तरफ। जब उन्होंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम में सौरभ जोशी इस चैनल पर अपने पेंटिंग आर्ट की वीडियो अपलोड करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पर डेली लाइव ब्लॉग डालना शुरू किया, लेकिन उस टाइम व्यूज नहीं आता था उनके ब्लॉग में। व्यूज तो अच्छा खासा आ रहा था लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा। लेकिन जब सौरभ भाई के ब्लॉग में पीयूष जोशी आते हैं उसी दिन सौरभ भाई के ब्लॉग में 4 चांद लग जाते हैं। एक्चुअल में सौरभ जोशी का ब्लॉगिंग चैनल पीयूष जोशी के आने के बाद ही ग्रो हुआ। बोले तो पीयूष के आने के बाद सौरभ जोशी के वीडियो में लाखों में व्यूज और मिलियनों में सब्सक्राइबर आने लगे। देखते ही देखते सौरभ जोशी ब्लॉगिंग चैनल सभी ब्लॉगरों को पीछा छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गए और 10 मिलियन सब्सक्राइब क्रॉस कर गए। और आज के समय में उनके चैनल पर 12.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। बोले तो सौरभ जोशी के सक्सेस के पीछा पीयूष जोशी का एक अहम हाथ है। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पीयूष जोशी के गेमिंग चैनल पर 24 घंटे में 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो गया था। तो आप इसी से थिंक कर सकते हैं कि पीयूष जोशी के फैंस ज्यादा है या फिर सौरभ जोशी के फैंस ज्यादा है। मैं तो पीयूष जोशी का फैन हूं और आप किसके फैन है, पीयूष जोशी या फिर सौरभ जोशी का, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।